नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मे चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस एप्रिल 29 तारीख रु हेबो मैट्रिक परीक्षा समेटिव असेसमेंट टू पद्धति रे परीक्षा देबे छात्र छात्री तीनोटी पद्धति रे हेबो मार्किंग निज स्कूल रे परीक्षा देबे छात्र छात्री बदलिबे शिक्षक मंदिर हेरिटेज करिडर प्रकल्प को नहीं बढ़ुची विवाद जिलापालंक सांगे कथा हला पूरी वकिल संघ एनएमए एनओसी रो चिट्ठी को नहीं चर्चा प्रश्न एएसआई नियम भांगी सरकार करुछंती कि बड़ निर्माण चारी राज्यर बंपर विजय परे अहमदाबाद रे प्रधानमंत्री विमान बंदर रु गांधीनगर पार्टी ऑफिस जाए 9 किलोमीटर व्यापी रोड शो प्रधानमंत्री टिके झलक देखा लोकों मध्य प्रबल उत्साह आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभोग विजिलेंस रेड टाटा पावर पश्चिम ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन रो जनरल मैनेजर घरे चढ़ाऊ संतोष कुमार दर्जी घरे रेड एककालीन तीनोटी स्थान में चढ़ाऊ लाइन च्युत है माल बोझ ट्रेन किरणडोलरु विशाखापाटना जाउथिबा समय रे दुर्घटना घटनास्थल रे पहुंचिला कोरापुट उद्धारकारी दल बातिल हला विशाखापाटना किरणडुल रेलपथ रे जाउथिबा समस्त ट्रेन आसवा पूरा खबर को मैट्रिक द्वितीय समेटिव परीक्षा समस्त छात्र छात्री बाध्यतामूलक चलित वर्ष समेटिव असेसमेंट टू परीक्षा हेबो एही परीक्षा समस्त छात्र छात्री बाध्यतामूलक बोली प्रेस मीट करी कहिसेंती मुख्य शासन सचिव सुरेंद्र चंद्र महापात्र पिला माने जथा संभव निज स्कूल रे परीक्षा देबे अन्य स्कूल रो शिक्षक शिक्षयित्री परीक्षा दायित्व रे रहिबे निज स्कूल रे परीक्षा होइ न पारिले निकटतम स्कूल रे परीक्षा करा जिवो एप्रिल शेष रे हेबो मैट्रिक समेटिव टू परीक्षा एप्रिल 29 रो मे 6 तारीख जाए परीक्षा हेबा नै मुख्य शासन सचिव सूचना दिछन्ते मैट्रिक परीक्षा मूल्यांकन तीनोटी पद्धति रे करा जिवो प्रथम पद्धति समेटिव 1 ओ इंटरनल असेसमेंट रो 2 दुई गुणा रहिबो द्वितीय पद्धति समेटिव 2 रो मार्क दुई गुणा करी हिसाब करा जिवो तेपरे तृतीय पद्धति इंटरनल असेसमेंट रो 20% समेटिव 1 रो 30% समेटिव 2 रो 50% निया जाई मार्किंग करा जिवो जेउ पद्धति रे सर्वाधिक मार्क रहिबो ताहा चुडांत मार्क भाबे धरा जिवो ए वर्ष रो मैट्रिक परीक्षा पई राज्य सरकार अनेक आलोचना करिछंती माध्यमिक शिक्षा परिषद छात्र छात्री अभिभावक शिक्षाविद को दाबी अनुरोध को नजर रखी समेटिव असेसमेंट 2 परीक्षा पई परामर्श देथिले एपरिकि दिन को दुईटी बदल रे गोटिए विषय रे परीक्षा हबो सकाळ 8टा रु परीक्षा आरंभ हबो कम दिन रे परीक्षा शेष हबो बोली निष्पत्ति निया जाइछ बोली मुख्य शासन सचिव सूचना देछंती चलित बर्षर दशम श्रेणी बा मेट्रिक परीक्षा पई राज्य सरकार गोटे इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं चंदे एक भयावह परिस्थिति मध्य दे सबु छात्र छात्री माने गत दुई वर्ष हला गति करिसेंते अनेक पिला स्कूल को जाई पर नहंते एवं लॉकडाउन शटडाउन इत्यादि जोगु स्कूल मध्य अधिकांश समय बंद रही छि एई वर्ष 2021 एवं 22 शिक्षा वर्ष रे वर्तमान परिस्थिति रे सामान्य उन्नति होइछि एवं श्रेणी गृह रे जो शिक्षादान व्यवस्था मध्य ताहा किछि मात्रा रे ए वर्ष करा जाय पारिछि पाखा पाखे 60-70% पिला हाई स्कूल रे दशम श्रेणी रे शिक्षादान करिया पई क्लास अटेंड करछन्थि ए सब को आखि आगे रखि एई वर्षर मैट्रिक परीक्षा करिया पूर्वरु राज्य सरकार के तरफ रु आमे माध्यमिक शिक्षा परिषद को अनुरोध करा जायतिला समस्त स्टेक होल्डर मान सहित डिस्कशन करी गोटे मेथड बाहर करिया पे कि भली ए वर्षर दशम श्रेणी परीक्षा एवं तार मूल्यायन इत्यादि करा जाय परिबो सेति पे माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ रु छात्र छात्री शिक्षक समाज शिक्षक संगठन रो सदस्य अभिभावक अभिभावक मान जो संगठन अछि ता छड़ा विभिन्न शिक्षा विभाग पदाधिकारी एवं शिक्षाविद ओडिशार मान्यगण्य शिक्षाविद मान सहित विस्तृत भाव रे ए विषय आलोचना करा जाय छि कि भली ए वर्षर दशम श्रेणी परीक्षा एवं मूल्यांकन इत्यादि करा जिवो जो पाठ्य खसड़ा
कोर्स करिकुलम जोटा बर्तन पाठपढ़ा चली ऑफलाइन मोड रे जहाँ जना पड़े जेहेतु मार्च 15 तारीख सुधा प्राय सरी आसीब तेणु समस्ते सजेसन देते एप्रिल मासर शेष सप्ताह रे मैट्रिक परीक्षा करिया पई ए सबु मतामत को आधार करी तथा छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक समाज समस्त मतामत को आधार करी सरकार डिसाइड कर चंदी समेटिव असेसमेंट टू परीक्षा ए वर्ष करा जिवो एवं सेटा समस्त बाध्यतामूलक रहिबो। श्रीमंदिर ऐतिह्य करिडर प्रकल्प विवाद दिनकु दिन बढ़िपे लगी। श्रीमंदिर 75 मीटर परिधि मध्य व्यय निर्माण को नहीं श्रीमंदिर सेवायत विभिन्न संगठन सहरवासी बुद्धिजीवी मान विरोध पर आज वकिल संघ व्यय निर्माण स्थल को जा स्थित अनुधान कर जिलापा साक्षात कर निर्माण बंद करने को दावी जनाई एसआईर अनुमति पत्र न थी किभली व्यय निर्माण करबरी महल में विरोधाभास देखाई किद पूर्व श्रीमंदिर 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया कौन निर्माण कार्य बेआईन बोली एसआई सुपरिटेंडेंट कही बेले एवं हेरिटेज करिडर भाग्य भविष्य उपर प्रश्नवाची सृष्टि होई। त्यागर मूल्य वर्तमान कह गले किसी रहा नहीं बर्तमान जितेबले भी या पूर्व लोक मैंने घर करते परमिशन नाला जो मंदिर चारिपटे को व्यक्ति गोटे कंस्ट्रक्शन करें तार किसी मानने पिकेटे परमिशन दौला कि बर्तमान कौ आईन बल कौ आईन बल निर्माण कार्य चली से गोटाक प्रश्नवाची सृष्टि साधारण जनता मनरे एत बड़ बड़ जो खोला कार्य होते बोधे सरकार मंद उद्देश्य थीपे आम भाव गोटे हिडन आजेंडा सरकार गोपनीय भाव में यह कर साधारण लोकों ठूक मान नजर दूरे रखा चारिपट बड़ बड़ पाचेरी कराई जगन्नाथ मंदिर जो प्रकार परिस्थिति वर्तमान बर्तमान आर्कोलोजिकल 50 वर्ष भितर या रक्षणाबेक्षण करपारे पथर खसुच्छी ये जो भाइब्रेसन हो खोला चलती बर्तमान 50 फुट 60 फुट लेखे जो गभीर खोला है तेणु यहाँ आम जहाँ भावु यहाँ से जो जोता स्टाण कि जिनसपत स्टाण कराई देख तो यह बाबद अधिक सूचना आलोचना आम सहित तो जोड़ी होती आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि। आलोक आशुतोष किसी समय पूर्व आम जो चित्र देखा जे जो मैंने फैक्ट फाइंडिंग टीम जिलापा निकट को जाते हैं आलोचना करने वास्तविक आलोचना कौन है वर्तमान पुणी विवाद देखा देखाई श्रीमंदिर ऐतिह्य करिडर को लेकिन कारण एएसआई रो निर्देश नथिबा सत्वे सेठारे निर्माण चली जो प्रकल्प निर्माण होता क्योंठिना क्योंठि श्रीमंदिर प्रति विपद बोली बा श्रीमंदिर असुरक्षित बोली वर्तमान विभिन्न संगठन सहरवासी बुद्धिजीवी एवं सेवायत एम संदेह प्रकट करोपाई कि जिलापा निकट को आज फैक्ट फाइंडिंग टीम जाइला जिलापा सहित तो आलोचना करने वास्तविक परमिशन अच्छी ना नाई एसआईर जदि परमिशन अच्छी तेल सार्वजनीन करने दावी करते आशा। परवर्त खबर को वायुसेना हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायुसेना हेलिकप्टर चिता दुर्घटनाग्रस्त हो जम्मू काश्मीर गुरेज सेक्टर बारम अंचल दुर्घटना घटी बरफावृत दुर्घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन टीम पहुंची एवं सर्च ऑपरेशन जारी रही जहां वर्तमान बड़ खबर आसी पहुंची जे वायुसेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो भारतीय वायुसेना हेलिकॉप्टर चिता दुर्घटनाग्रस्त हो जम्मू काश्मीर गुरेज सेक्टर बैरम अंचल दुर्घटना घटी बरफावृत दुर्घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन टीम पहुंची सर्च ऑपरेशन वर्तमान सुधा जारी रही। वर्तमानर जहां बड़ खबर आसी पहुंचुछि जे वायुसेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त घटी भारतीय वायुसेना हेलिकॉप्टर चिता दुर्घटनाग्रस्त घटी जम्मू काश्मीर गुरेज सेक्टर बारम अंचल दुर्घटना घटी बरफावृत दुर्घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन टीम पहुंची वर्तमान सर्च ऑपरेशन चली बाबद अधिक सूचना आ कि समय पर पूरा स्पष्ट होतु वर्तमान जहां खबर आसी पहुंचुची वायुसेना हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त घटी हेलिकॉप्टर चिता दुर्घटनाग्रस्त घटी
जम्मू काश्मीर गुरेज सेक्टर बरम अंचल दुर्घटना घटी बरफावृत दुर्घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन जारी रही सर्च ऑपरेशन टीम पहुंची मार्च 15 पुणी थरे उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री पद पर योगी ने शपथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में बहुमत संख्यागरिष्ठतार भाजपा विजयी होगापर एवं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल शपथ उत्सव को नहीं आयोजन को नहीं चर्चा आरंभ होई। होली पूर्व क्षमता को फेरी नूतन भाजपा सरकार शपथ ग्रहण करिपारती। योगी आदित्यनाथ होली पर्व ठीक पूर्व अर्थात मार्च 15 शपथ ग्रहण करिपारती कहुची। एक शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्र मंत्री तथा भाजपा वरिष्ठ नेता माने सामिल हेबे। भाजपा शासित राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री माने मध्ये यार एक अंश हो पारंती बोली सूचना रही। संबलपुर जिला रेंगाली रो गणमाध्यम प्रतिनिधि हेमंत राउत को पुलिस गिरफ करिथिबार उपयुक्त तदंत करबा संबलपुर ओयूजे सांबादिक संघ संबलपुर आरडीसी संबलपुर जिलापाल संबलपुर एसपी जरिया मुख्यमंत्री को एक दावीपत्र प्रदान करा हेमंत राउत अत्याचार को संबलपुर ओयूजे सांबादिक संघ दृढ़ निंदा कर प्रकृत में हेमंत राउत बारंबार गणमाध्यम संवाद परेषण जो कंठरोध गिरफ करा जाई बोली ओयूजे सांबादिक संघ यार उपयुक्त तदंत पाई ओयूजे सांबादिक संघ दाबी करी सांबादिक हेमंत राउत को मुक्ति पाई दाबी करी। सुवर्णपुर जिला बीजेपी पक्षर विजय उत्सव पालन करा जाई छे। स्थानीय पंचरथ मंदिर छकरे कर्मी माने निज निज भितर मिठा खुआवा सह बाण फुटाई विजय उत्सव पालन करते। उत्तर प्रदेश समेत चारोटी राज्य में बीजेपी विपुल विजय में खुशी पालन करते। आगामी पौर निर्वाचन में बीजेपी को समर्थन कर विपुल भोट्रे विजय करने को आह्वान दी। आज चार्टा स्टेट रे बीजेपी विजय लाभ करती खुशी आम मिष्टान्न बंटन कर सोनपुर टाउन करुचु। आज आम मुई चेयरमैन कैंडिडेट आउ आमर 15 काउनसिलर समस्ते मिसिकी नुआ रणनीति केमती कर्म से विषय प्रस्तुति बैठक भी करूँ। आज सोनपुर म्यूनिसीपालिटी समस्त जाक पूरा 15 वार्ड रु काउनसिलर मान को डकाई आमर रणनीति स्थिर करवाई। आज 4 राज्य आमर गोवा मणिपुर उत्तराखंड आउ उत्तर प्रदेश इनु विपुल भोट्रे विजय कर आज आम एटा मिष्टान्न बंटन करुचुँ मोदींकर विजय उत्सव उपलक्षे। आर आमे भी भारतीय जनता पार्टी समस्त काउनसिलर और चेयरमैन केमती जितबे आम आप्राण उद्यम लगिचु। जगत सिंहपुर पौराल निर्वाचन माहौल सरगरम होगा लगला। विभिन्न वार्ड मानक कांग्रेस दल पक्ष घर घर बुले भोट भिक्षा कर पौर परिषद अध्यक्ष प्रार्थिनी अर्चना सिंह वार्ड सभ्य को नहीं लोकमान पाखे पहुंची भोट भिक्षा कर पौर परिषद में विभिन्न प्रकार समस्या को समाधान करने नहीं भोटर को प्रतिश्रुति देखते हाथ में आउ कम समय रही बेले प्रार्थी मैंने कैंपेनिंग जोरदार आरंभ कर। चलो चलो ओ सेटर रही गेला जे पर 7 नंबर कर 7 नंबर सेटर मारिया तुम जिंदाबाद अर्चना सिंह जिंदाबाद सुभाषी बोड़ा जिंदाबाद सुभाषी बोड़ा जिंदाबाद चिरंजीव बिस्वाल जिंदाबाद चिरंजीव बिस्वाल जिंदाबाद। युक्रेन रु ओडिशा फेरिले डाक्तरी छात्र प्रलय। जाजपुर कोराई ब्लक बिरुहापड़ा गांव डाक्तरी छात्र प्रलय कुमार नायक युक्रेन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में डाक्तरी पढ़ुते तेज घर को फेरवा पर कैमेरा सम्मुखें युक्रेन में युद्धर भयावहता समय करुण दृश्य को बखाणी। युद्ध समय प्रलय साथी बंकर मध्य प्राण बचाई लुचि रही आहरी प्रलय कहते जे युक्रेन रे बोमार शब्द एत भयंकर वर्णना करने कष्ट मृत्यु मुखर फेरी आसा पुओ को पाई बापमा खुशी सीमा ना
अनेक ओडिया छात्र छात्री एवं युद्धर विभीषिका भितर मातृभूमि को फेरुवा बेले सरकार को धन्यवाद जनाई अभिभावक उच्च शिक्षा विभाग तरफ़ ओडिशा रे प्रथम थर पर आरंभ हैला चारि दिवसीय आंतः विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय रे यार आयोजन करा जाउछि। एही कार्यक्रम रे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन क्यारम चेस टेबल टेनिस वॉलीबॉल बास्केटबॉल कबड्डी आदि नौ गोटी विभाग रो खेल प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबो। प्रतियोगितार उद्घाटनी उत्सव बारिपदा स्टेडियम थारे अनुष्ठित होई जाइछि। एतर प्रतियोगिता रे राज्य रो 15 टी विश्वविद्यालय रो पाखा पाखी 1250 जन प्रतियोगी अंश ग्रहण करैछि। मयूरभंज जिलार भाषा साहित्य कला संस्कृति पर्यटन ऐतिह्य सबको एकत्रीकरण करी ये कौन सी सर्वधर्म समन्वय बा सर्व राजनीति ऊर्धरे ये एकमात्र ये जिला को एक स्वाभिमान मंच में परिणत करने जिला को कला साहित्य संस्कृति एक समन्वय भाव या को गोटे सूत्र में बांधि रखापी जिला अधिवासी मान को ये बलांगी महोत्सव अभियान ये दीर्घ वर्ष है चली आज 20 वर्ष पदार्पण कला। प्रसिद्ध बलांगीर सांस्कृतिक जागरण यात्रा महाराजा श्री रामचंद्र ज्योति रथर जिला परिक्रमा आज आरंभ हो मयूरभंज जिलार अवलुप्त प्राय भाषा साहित्य कला संस्कृति पर्यटन और ऐतिह्य सुरक्षा तथा विकास पर भंजमाटी गारिमामय ऐतिह्य विषय उत्तर पीढ़ी को सचेतन कर जिलार चारोटी जाक सब डिविजन अधिवासी मध्य भाईचारा परंपरा को सुदृढ़ करने निम्ते विगत 5 वर्ष धरी बलांगी महोत्सव परिचालना कमिटर युवशाखा बलांगी सेना द्वारा बलांगी जागरण यात्रा एवं महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव एक ज्योतिरथ जिला परिक्रमा करिथाय। चलित वर्ष ही जागरण यात्रा आज 13 तारीख 3 दिन धरी जिला परिक्रमा करिबो। कोरापुर जिला विसिंहपुर अंतर्गत विसिहापुर गाँव में जड़े युवकों छुरा माड़े अन्य जड़े युवकों मृत्यु गत काली संध्यारे कौनसी एक कथा को केन्द्र कर गाँव पी सर्वेश्वर राव एवं अनिल हरिजन गंडगोल होता स्थानीय लोके उभय बुझासुझा कर घर को पठाई थे। किसी समय पर अंधार रातिर सुजोग नहीं अनिल हरिजन एक छुरी धरी पी सर्वेश्वर राव घर निकट आक्रमण करते पी सर्वेश्वर को बोरीगुमा डाक्तखाना भर्ती कराइला सेठे डाक्तर मृत घोषणा कर अनिल हरिजन घटनास्थल फेरार हो जाए। ये मोबाइल गोटे चोरी होगा हाँ शुण लगे हाँ मोबाइल चोरी होगा किए नहीं गला बोल कर आपको निंदा दे हाँ शुण लगे थ निंदा दे हाँ निंदा देखो ये नाई होगा मो जना नहीं होगा किए नहीं गला कि मो जना नहीं होगा हेले से हरिजन आपको ताको मारवाटा आपको मारता कौन में झगड़ा ही से मार कहरे मारा बुझल तुम थाना अभियोग कर हाँ। को पुलिस बर्तमान कौन कह पुलिस तदंत कर गाँव को जापारानी आंबुलांस जंत्रणार छटपट गर्भवती बुहा हेले खटियारे एभली घटना घटी केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर ब्लक बुढ़ाखमण पंचायत नलपंका गाँव मुंडा साहिरे साई को रास्ता नथिबा कारणरो जापारानी आंबुलांस शेषे बाध्य हो गर्भवती को 2 किलोमीटर खटियारे बुहाई आंबुलांस निकट को नेबा को पड़ा जार वीडियो एवं वायरल होबार लगी। खाली नलपंगा नुहे केउझर जिलार विभिन्न स्थान रे ए भलिया घटना नियमित व्यवधान रे घटुची केवल खटिया नुह भारर मध्य बुहा होती गाँ को रास्ता नहीं गमनागमन व्यवस्था निहाती दुर्बल लोक बिल खमार दे जावासवा कर गाँ को जिते रोगी जान टे पशी पार नहीं से लोकटे बाध्य कौन कर जे प्रसूतिर बेदना तो लाघव करने पड़ो जहाँ भी हेल्ला डाक्तरखाना को पहुँचापा व्यवस्था लोक मैंने ग्रहण कर देखु एभली दुर्भाग्यजनक कथा आम नुआक शुणुना एमती अनेक दुर्गम अंचल अच्छी विशेषकर आम जिले में जोटी 108 आंबुलांस पहुँचवाटा संभव हो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर खटिया बुहा भार बुहा गर्भवती महिला मैंने नदी पार हो नई नाड़ नहीं आस
ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ ମୋଦିଙ୍କ କାମକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଲୋକେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ସୁଶାସନ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଇଛି। ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଏ କଥାକୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଲୋକ ସେଥିର ବେନିଫିଟ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ସବୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗୀଙ୍କର ଶାସନର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶାସନ ସିଏ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍। ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଷ୍ଟେସନରୁ 57 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। କିରଣ୍ଡୁଲରୁ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ବିଶାଖାପାଟଣା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶାଖାପାଟଣା କିରଣ୍ଡୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଶପଥପାଠ। ଶପଥପାଠ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଲଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 11 ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ୱାର୍ଡରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ। ଭୋଟ ଗଣତି ଦିନ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇକରାୟ 235 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଟାଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 7 ତାରିଖରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଟାଙ୍ଗି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡିଓ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରିବାରୁ ଆଜି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାବି ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମ ଲୋକ ଜିତିଥିଲେ ଭୋଟରେ, ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ହେଇନି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାମ କରେଇଦେବୁ। କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି ସହଯୋଗ ଆମକୁ କଲେନି, କିଛି ଦେଲେନି, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, କେବଳ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।